हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए टॉपिक है आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है आप लोगों के लिए ठीक है आपको आपकी किस्मत में आगे क्या देखने को मिलेगा क्या सरप्राइजेस मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी बार आ रहा है रीडिंग में कि न्यू फ़ेज़ में आने वाले हो तो वो न्यू फ़ेज़ किस तरह का है किस्मत क्या देने वाली है इस न्यू फ़ेज़ में आपको ठीक है जो भी न्यू बिगनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा क्या सरप्राइजेस ब्लेसिंग गुड न्यूज़ आपको मिलेगी ठीक है तो जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगी स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए इट्स अ जनरल रीडिंग तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड रीडिंग के टाइमलेस है तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप देख सकते हैं आराम से ओके चलिए देख लेते हैं क्या ला रही है आपकी किस्मत आगे आपके लिए सर्विस ओके रिलीज ओ माई गॉड हो सकता है हेल्थ इश्यूज आपके ठीक हो सकते हैं ये ख़त्म हो सकते हैं अगर कोई बहुत टाइम से कोई इश्यूज हैं आपके साथ हेल्थ इश्यूज वो ठीक हो रहे हैं यानी कि बीमारियां ख़त्म हो रही हैं आपकी अगर बहुत टाइम से लंबे समय से दवाइयां खा रहे थे हो सकता है वो चीज़ ठीक हो जाए ठीक है या घर में मम्मी पापा अगर बीमार थे या दादे दादा तो उन, उनकी रिकवरी होने के चांसेस हैं सेल्फ वर्थ तो आ ही रहेगा आपके लाइफ में बहुत जल्दी परसेप्शन वी हैव विस्टम प्रेयर एंड वी हैव एनलाइटनमेंट ओके बैलेंस आ रहा है प्रॉपर जिस तरीके से लाइफ एक्सेप्ट कर ली है तो बैलेंस प्रॉपर बन रहा है लाइफ में ठीक है और एनलाइटनमेंट uh, होने के चांसेस हैं जैसे कि मैंने बत... अच्छा गाइस अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपने काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है एक एक कर कर ठीक टाइम पर हर एक चीज कर रहे हो टाइम टेबल अच्छा बन रहा है लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बन रहा है तो धीरे धीरे जो पैटर्नस जो आपके बैलेंस नहीं थे वो ठीक हो रहे हैं लाइक like अगर आपके हेल्थ इशूज़ थे क्योंकि पता है क्या हो रहा है अगर चीजें टाइम पे कर रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम है खुद का ध्यान रखने के लिए ठीक है या फिर अगर आपके घर में कोई लव बीमार है तो उनका ध्यान रखने के लिए आपके पास टाइम है तो आप अपना प्रॉपर टाइम खुद को दे रहे हो या अपने लव को दे रहे हो तो ये ये यहाँ पर क्या ना आपके एफर्ट्स काम आ रहे हैं यानी कि आपकी हेल्थ इश्यूज हैं जो बहुत मेजर थे उन्हें आप ठीक कर पा रहे हो तो इस न्यू फेज में ना आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से होगी आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ठीक हो जाएंगे अच्छा एक लाइफस्टाइल आप लीड करेंगे अपनी लाइफ में इसी के साथ आप आपके पास सेल्फ वर्थ आ रहा है अगर आप किसी एग्जाम में या बिजनेस में जॉब में स्टक हो बहुत टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो अब चांसेस हैं कि अब आपकी जो प्रार्थना करते आ रहे हो अपने वर्क को लेकर बिजनेस को लेकर वो आपको फल देना शुरू कर देगी आई मीन I mean, कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा सेल्फ वर्थ आपके पास आ रहा है ठीक है ओवरऑल आपकी टेंशनस ख़त्म हो रही है आपके हेल्थ से रिलेटेड और आप अपने बिजनेस पर भी अच्छा फोकस लगा पाओगे या फिर जो भी आपका पर्पस है बिजनेस है जॉब है स्टडी जो भी आप करते हो उसमें आपका मन लगेगा पूरे फोकस के साथ आप काम कर पाओगे और इसी के साथ साथ न्यू आइडियाज़ आपको आते रहेंगे ऐसा क्या इंप्लीमेंट करना है किस टाइम ठीक है कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप करते रहोगे इसी के साथ साथ आपके पास मुझे लगता है आने वाले फेज में आपके पार्टनर का साथ भी होगा ग्रेटिट्यूड का कार्ड है यहाँ पर जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपके लाइफ में येस uh, yes, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है आपको अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस हैं और पार्टनर का प्यार मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है केयर मिल रही है हो सकता है कि आने वाला ये जो फेज़ होगा आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक आइसोलेशन फेज़ होगा लेकिन ये आइसोलेशन फ़ेज़ ना आपके लिए बहुत ही इन्जॉय uh, in... मतलब बहुत इन्जॉय करोगे इस फेज में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो गाइज तो, डेफिनेटली तो आपको घर में रहना पड़ सकता है अपनी केयर करनी पड़ सकती है लेकिन इस फेज में आपको मजा आएगा ठीक है इस फेज में आप बोर नहीं होगे परेशान नहीं होगे क्योंकि ओवरऑल आपका एनलाइटनमेंट होते हुए मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आप चीजें एनहांस होते हुए देख रही हूँ विजडम आ रहा है आपके पास परसेप्शन आपका मतलब लोगों के लिए भी आपकी सोच अच्छी है और दूसरों की सोच आपके लिए अब अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपने खुद को हील कर लिया है खुद को एनालाइज कर लिया है तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी आपके सेल्फ वर्थ को लेकर आने में आपकी जिंदगी में और यस गाइस इसी के साथ साथ आपकी प्रार्थनाएं है जो हैं वो बिल्कुल काम कर रही है डिवाइन आपकी आवाज सुन पा रहे हैं आपको देख पा रहे हैं आपको अब क्या देना है नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग आप तक पहुंचानी है ठीक है तो ये सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है आई थिंक यूनिवर्स ने आपके लिए काफी अच्छा प्लान कर लिया है जो आपको आगे आपकी किस्मत में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये जो चीजें होने वाली है ये बहुत ही पावरफुल चेंजेस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं सॉलिड चेंजेस जहां पर आप एक अच्छी लाइफ जीने वाले हैं ठीक है और अगर प्रेगनेंसी का नहीं है तो गाइड फिर भी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ लाइक अगर आप सिंगल हैं और आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस पर्सन की तरफ से काफी ग्रेटिट्यूट आपको मिलेगा इस फेज में ठीक है आने वाला टाइम सच में बहुत अच्छा है इसमें आपकी लाइफ में आपकी प्रेयर्स के आंसर्स और आपके सोल का एनलाइटनमेंट हो रहा है और सबसे मेजर चीज जो है वो है हेल्थ इश्यूज आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपका सेल्फ वर्थ बढ़ रहा है तो ये चार फैक्टर्स हैं जो मुझे यहाँ पर यहाँ पर दिख रहे हैं होते हुए आपके लाइफ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपके लिए आ, आगे किस्मत आपकी बहुत अच्छा लेकर आ रही है आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं और बहुत ही अच्छा करने वाले हो आप ब्रोकन हार्ट है ये हील हो जाएगा हंड्रेड परसेंट अगर ये ब्रोकन हार्ट आपका अभी है तो ये बिल्कुल हील होगा नंबर नाइन अगर आप सिंगल है देखो ना फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए आ रहा है और देखो यहाँ पे कितनी प्यारी बटरफ्लाई भी है तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट आप तक पहुंचने वाला है ये ब्रोकन हार्ट आपका हील हो जाएगा लाइफ में बैलेंस आ रहा है खुशियां आ रही है और सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा और अपने सेवन चक्रा पर आप काम कीजिए ठीक है राइट right नाउ आपको सेवन चाकरा पर काम करने की जरूरत है यस yes गाइस थोड़ा सा ना अपने सेवन चाक्रा यानी कि अपने क्राउन चाक्रा पर थोड़ा काम कीजिए और आर के इंचल यूरियल का सपोर्ट है तो आपके लाइफ में प्रॉपर बैलेंस भी आ रहा है और चीजें अच्छी भी हो रही हैं ये अप्रिशिएशन आ रहा है आपके पास और दुनिया आपको एडमायर करेगी एप्रिसिएशन मिलेगा आपको कि यस इस पर्सन ने ये चीज करके दिखाई है कुछ इस तरह का एप्रीशियशन आपके पास आ रहा है ओके okay, अगर कभी कभी लाइफ में आपको थोड़ा स्ट्रेस हो तो आप मेडिटेशन कर लीजिए ठीक है फिलहाल तो ये वैल्यू ये डोर टू वैल्यू यानी कि ये मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले फेज़ में डेफिनेटली काफ़ी मनी वर्थ बढ़ रहा है आपका सेल्फ वर्थ आ रहा है आपके पास एप्रिशिएशन आ रहा है आप थोड़ा सा अभी से ही ना एफर्मेशन बोलते रहिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी स्परिचुअल लाइफ uh, में तो इसीलिए जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए अगर आप देखो गाइज अपने कर्मास कर चुके हैं लाइक आपने जितने एफर्ट्स लगाने हैं लगा लिए अब आपके पास इनफ टाइम है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं एफेमेशन बोल सकते हैं तो अब आपको करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आप में से हर कोई लोग अलग अलग लेवल पर हैं तो जो जिस लेवल अगर आपने सपोज दैट अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई है जॉब कर रहे हो अच्छा पैसा आ रहा है तो अब आप अगर लव लाइफ अभी भी स्टक है तो फिर आप आपको एफेमेशंस बोलने शुरू कर देने चाहिए वैसे तो मुझे जो आने वाला फेज है वो दिख रहा है काफ़ी अच्छा है तो लेकिन अगर फिर भी थोड़ा लेट हो जाए तो आपको एफेमेशंस बोलने हैं ठीक है देखो यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो कि वो बना बना चुके हैं और यही सब कुछ आपको आगे देखने को भी मिलेगा तो ये चीजें सच हो जाएगी जल्दी हो जाएगी अगर पॉजिटिव एफेमेशंस बोलते हैं तो ठीक है बाकी यस yes, मेडिटेशन करना शुरू कर दो गाइज मॉर्निंग में अगर आपको लगता है कि आप करने के लिए अब रेडी हैं मेडिटेशन तो आपको मेडिटेशन हंड्रेड एंड टेन परसेंट करना चाहिए ठीक है और इस टाइम पर अगर आपको लगता है कि डिवाइन ही आपको सब कुछ दे देंगे और वही देंगे गाइज ठीक है कोई और नहीं देगा तो आप थोड़ा सा पहले जो मेडिटेशन का टाइम है जो आप कर रहे हो जिस ज, ज, जिस भी टाइम सबसे पहले आप पाँच दस मिनट डिवाइन को ही याद कीजिए उसमें जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं जब जब दस मिनट तक आप ये मेडिटेशन कर लें डिवाइन के साथ एक कनेक्शन जब आपका बन जाए फिर जो आप जिस चीज़ की आपकी डिज़ायर है ठीक है उस उससे रिलेटेड आप मेडिटेशन करिए अगर आपको अपने सोलमेट के साथ यूनियन चाहिए तो वो वाला मेडिटेशन कर लो ट्विन फ्लेम के साथ चाहिए वो वाला मेडिटेशन कर लो ठीक है और कैसे करना ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं ठीक है आपको वहां से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे क्योंकि आने वाला टाइम बहुत सही है आपको अब मेडिटेशन करने की जरूरत है अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली है तो ठीक है तो मेडिटेशन भी करना स्टार्ट कर दो और अगर आप अपने इस टफ टाइम के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं इतने आप केपेबल हैं तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं ये पूरा आपके ऊपर है लेकिन यस एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा ठीक है ये रिजल्ट जल्दी आपके पास लेकर आने के लिए फिलहाल तो सेल्फ वर्थ बढ़ रहा है हेल्थ इश्यूज खत्म हो रहे हैं और ग्रेटिट्यूड भी आ रहा है और आपके जो प्रेयर हैं उसके आंसर्स आपके पास आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं और देख लेते हैं डिवाइन हमें क्या आंसर्स देंगे क्या बताएंगे ओके okay, एक कार्ड आ गया है हमारे पास यस yes, बोला है डिवाइन ने बिल्कुल यस है गाइस और अनलाइकली तो ये अनलाइकली यस yes में ही कन्वर्ट होगा डोंट वरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है सब कुछ ठीक हो जाएगा लुक फॉर अ साइन तब तक आप साइन नंबर्स इन सब पर फोकस uh, करते रहिए क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं ट्रू हो जाती हैं वैसे तो हो जाएंगी लेकिन जब तक नहीं ट्रू होती है तो वो साइन ही आपको मोटिवेट करेंगे सपोर्ट करेंगे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेंगे ठीक है तो जो भी डिवाइन की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं नंबर मिल रहे हैं इन पर आपको फोकस करना है ठीक है ये चीजें करनी है और इसी के साथ आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहने की जरूरत है रिमेन पॉजिटिव इतना आपको करना पड़ेगा एसर्टिव रहना है सबसे अच्छे से बात करनी है खत्म कर देने हैं और रुकना नहीं है अपनी डेस्टिनी में अब आपको रुकना नहीं है आगे ही बढ़ना है ठीक है ये ये चीजें आपको करनी है इतना गाइस कीजिए बाकी तो मुझे सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही है अच्छी अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ठीक है एक बार गाइडेंस भी देख लेते हैं यहां से क्या आएगी आपके लिए गाइडेंस ट्रांसफॉर्मेशन येस ऑफकोर्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेश हो, हो, होंगे ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दम विद डिस्ट्रक्शन एंड सो दीड्स न्यू फॉर द नाउ फॉर द फ्यूचर यानी कि आप ये मान लीजिए कि जो आज है वो कल नहीं होगा ठीक है आज जो बुरा टाइम है तो वो खत्म हो जाएगा और अच्छे दिन आएंगे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप ओके ये कार तो शायद फर्स्ट टाइम आया मेरे सामने द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप हो सकता है गाइज इस नए फेज में अच्छे दोस्त भी मिलेंगे आपको ठीक है आपकी सोल आ, सोल ग्रुप से जो आपके फ्रेंड्स है ना जिनसे आपका सोल कनेक्शन है सोल कॉन्ट्रैक्ट है सोल क्योंकि हमारा सोल ग्रुप भी होता है जैसे हमारा सोलमेट है तो हमारा सोल ग्रुप है तो यस आपके सोल ग्रुप से ही आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं आपसे मिलेंगे इनके साथ आप काफी इंजॉय करोगे क्योंकि इनके साथ आपका आपकी सोच भी मिलेगी ओवरऑल चलिए अगर आपके दोस्त बहुत कम थे तो फ्रेंडशिप्स भी आ रही है ट्रू फ्रेंडशिप्स आ रही है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये न्यू फेस बहुत सुंदर है आपके लिए पे टाइम बिल्कुल ये पे टाइम है यू रीव वट यू सो एंड कम्स बैक टू यू कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स जो आपने कर्म करा है ना उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है आपके पास बस इतना आप जान के रखिए ठीक है और देखो न्यू क्रिएशन आ रहा है ट्रेवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू तो कुछ नया ही क्रिएट करोगे डेफिनेटली न्यू फेज है नई जिंदगी एक तरीके से मिल रही है आपको बहुत चीजें खत्म हो रही है तो कुछ नया भी क्रिएट करोगे और ट्रैवलिंग भी हो सकती है अपने अगर आपको अपना वर्क जल्दी पूरा करना है तो उसके लिए प्रेयर करो एफर्मेशन बोलो ये यहाँ पर आया है आपके लिए एक बार फिर से तो यस गाइस तो न्यू फेस बहुत ही अच्छा है आपकी किस्मत बहुत कुछ लेकर आ रही है बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है ट्रांसफॉमेशन लेकर आ रहे हैं हेल्थ इश्यूज ख़त्म हो रहे हैं ओवरऑल आपकी लाइफ में जॉय भी आ रहा है फ्रेंड्स भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे एक जैकपॉट मिल गया है आपके पास मनी भी आ रही है लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपको बहुत पोलाइटली बिहेव करना है प्यार से बोलना है प्यार से सुनना है ठीक है और खुद को रोकना नहीं है हार्डवर्क करते रहिए अनटिल यू गेट एवरीथिंग वट यू वॉन्ट इन योर लाइफ ठीक है ये चीजें आपको करनी है अदरवाइज तो आप सही पाथ फॉलो कर रहे हो सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ऐसे ही करते रहिए आई होप की रीडिंग आपके साथ रह जो नहीं ठू हो आपको पसंद आई हो अगर ये रीडिंग आपके साथ रह जो नहीं ठू है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अभी के लिए बस इतना ही गाइज बाय टेक केयर